आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आएंगे झुंझुनू, क्लस्टर और कोर कमेटी बैठक को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी होंगे साथ में। 3 घंटे झुंझुनू में संगठनात्मक चर्चा करेंगे सीएम शर्मा। भाजपा जिला कार्यालय का भी काटेंगे फीता। झुंझुनू और सीकर के अपेक्षित नेता कार्यकर्ता करेंगे शिरकत। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा व सहकारिता मंत्री गौतम डाक रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने झुंझुनू में अब तक अपना प्रत्याशी घोषित न किया हो, लेकिन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कुछ देर बाद झुंझुनू पहुंचने वाले हैं। झुंझुनू में भजन लाल शर्मा और सीपी जोशी करीब 3 घंटे तक रुकेंगे, इसके बाद चूरू के लिए रवाना होंगे। इस दौरान भजन लाल शर्मा व सीपी जोशी का शहर में करीब आधा दर्जन से अधिक जगहों पर स्वागत होगा। इसके बाद दोनों ही नेता NMT कॉलेज के पास भाजपा जिला कार्यालय का फीता काटेंगे। इसके बाद क्लस्टर के बाद कोर कमेटी की बैठक होगी। दोनों ही बैठकों के लिए सीकर और झुंझुनू से अपेक्षित नेताओं और कार्यकर्ताओं को फोन द्वारा सूचना दे दी गई है। वहीं आज सुबह से दोनों जगहों में अपेक्षित नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना भी शुरू हो गया है। इधर बैठक में हिस्सा लेने के लिए क्लस्टर प्रभारी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, सहकारिता मंत्री गौतम डक समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। क्लस्टर बैठक के लिए मंच पर 3 दर्जन से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें प्रदेश स्तरीय नेताओं के अलावा दोनों लोकसभा क्षेत्रों के विधायक और विधायक प्रत्याशी, वर्तमान जिला अध्यक्ष व पूर्व जिला अध्यक्ष आदि को जगह दी गई है। क्लस्टर बैठक में करीब 350 अपेक्षित तथा कोर कमेटी की बैठक में करीब 5 अपेक्षित सदस्य शामिल होंगे। आपको बता दें कि झुंझुनू क्लस्टर में अलवर लोकसभा भी शामिल है, लेकिन अलवर से कुछ प्रमुख नेताओं को ही बुलाया गया है। इसके अलावा अलवर के कार्यकर्ताओं के लिए अलवर में ही अलग से बैठक का निर्णय पार्टी ने लिया है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया गया है। आज झुंझुनू और सीकर अलवर 3 लोकसभा क्षेत्रों का क्लस्टर बना हुआ है, उसमें झुंझुनू सीकर के और जो चुने जनप्रतिनिधि और जो जिसमें लिमिटेड कार्यकर्ताओं का करीबन 500 कार्यकर्ताओं का ये आयोजन है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और क्लस्टर प्रभारी आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी इस क्लस्टर बैठक में संबोधित करेंगे और तीनों जिलों के जिलाध्यक्ष सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और लोकसभा की तैयारी बैठक में कार्यकर्ताओं को इसमें जोश भरने के लिए और तीनों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का एक जोश के लिए यहाँ माननीय भजन लाल जी बता रहे हैं इस बार। हाँ, इसके बाद में सीकर झुंझुनू और अलवर की कोर कमेटी बैठक भी है और उसके बाद में 2 कार्यक्रम और भी हैं राजस्थान में, चूरू अजमेर। ये जो कार्यक्रम है ये मूलतया संगठनात्मक बैठक का है। 3 लोकसभा क्षेत्रों का एक क्लस्टर बना हुआ है, अलवर, सीकर और झुंझुनू। उसके दायित्ववान कार्यकर्ता जिनके पास पद हैं उनको सबको यहाँ पर बुलाया गया है और संगठन की दृष्टि से हमारे परम आदरणीय सम्मान्य मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी और संगठन की दृष्टि से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी जी और उनके साथ श्री झावर सिंह जी खर्रा और अन्य मंत्रीगण पधार रहे हैं, संगठन के सभी पदाधिकारी पधार रहे हैं और सर्वप्रथम उनका प्रवेश जहाँ से होगा वहाँ से लेकर के पहले पार्टी का कार्यालय है उसका उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। जिला कार्यालय हमने यहाँ पर बनाया है। तत्पश्चात क्लस्टर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उससे पहले उनका मान सम्मान और स्वागत का कार्यक्रम होगा। क्लस्टर की बैठक के बाद कोर कमेटी में जिन लोगों को दायित्व दिया है, जो कोर कमेटी में हैं, इस तरह के लगभग 50 कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनकी मीटिंग लेंगे। मीटिंग समापन के बाद जो आम कार्यकर्ता आए हुए हैं उनके अभाव योग सुनेंगे, उनसे रूबरू होंगे। तत्पश्चात खाना और खाने के बाद वो चूरू के लिए प्रस्थान करेंगे।